एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड थर्ड। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 की एक्सरसाइज ऑन द पेज नंबर 84 एंड द एक्सरसाइज नेम इज वर्ड बिल्डिंग। एक्सरसाइज का नाम है वर्ड बिल्डिंग। देखते हैं, फर्स्ट वन, फील इन द ब्लैंक्स विद टू स्पेल विद फ्रॉम वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। एज पर आई सेड इन द प्रीवियस सेशंस, वी हैव टू फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। फर्स्ट है, देखो, एस आई, तो यहाँ आएगा एस आई डबल एल वाई, सिली। यहाँ आएगा पी ई, तो यहाँ आप ऐसे क्या लिखो, ग्रीसफुल। स्ट्रेट्स यहाँ लिखेंगे, स्कॉल्ड। उसके बाद लेसन्स, नोटी। यहाँ आएगा एक्साइटमेंट और डोंकी। अब देखते हैं सेकंड वन, राइट सिमिलर वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। यानी कि हमें सिमिलर वर्ड्स है वो लिखने हैं। तो फुलिश यानी कि मूर्ख, तो उसका मीनिंग होगा सिली। स्टोन का मीनिंग होगा पेबल्स। फिर है मिस शूस यानी कि नॉटी और मिस बिहेवियर। फैट, फैट का मीनिंग होगा एंगर भी हो सकता है, और उसके अलावा भी आप कई सारे फैट्स का मीनिंग है इस स्टोरी में से देखोगे। देखो तो फैट। अब देखते हैं थर्ड एक्सरसाइज, फील इन द ब्लैंक विद वर्ड फ्रॉम द ब्रॉक्स। यानी कि इस एक्सरसाइज में हमें ये जो सारे वर्ड्स बॉक्स में से ये सारी ब्लैंक को फिल करना है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड, दे आर हैप्पी। तो यहाँ हम लिखेंगे, दे आर प्लेइंग कैच मी इफ, चिल्ड्रन आर प्लेइंग कैच मी इफ यू कैन। यहाँ आएगा, द बेल हैज रंग, इट्स टाइम फॉर लेसन। तो यहाँ आएगा, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड, दे आर हैप्पी। दे आर प्लेइंग कैच मी इफ यू कैन। द बेल हैज रंग, इट इज अ टाइम फॉर लेसन, लाइक दैट। अब देखो पेज नंबर 85। देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है फील इन द ब्लैंक्स वन चाइल्ड। तो देखो, इन अदर वे आपको यहाँ उसका प्लूरल फॉर्म ही करना है। एक चाइल्ड, तो एक बच्चा, तो मैनी, तो चाइल्ड का बहुवचन क्या होगा, चिल्ड्रन। वन फॉक्स, मैनी फॉक्सेस। वन डक, मैनी डक्स। वन गूस, मैनी गीज, लाइक डैट। यानी कि इनडायरेक्टली प्लूरल करना था। अब देखो फिफ्थ, एड अ फुल टू मेक अ वर्ड। यानी कि ये जो ब्रैकेट्स है सारे, उसमें हमें एट द एंड ऑफ द वर्ड फुल ऐड करना है। द चिल्ड्रन आर अ प्लेफुल, द फ्लावर्स आर अ ब्यूटीफुल, द बुक्स आर अ यूजफुल, एंड द वेजिटेबल्स आर अ प्लेंटीफुल, लाइक दैट। तो प्लेफुल, ब्यूटीफुल, यूजफुल और प्लेंटीफुल। अब देखो सिक्स, एड एल वाई टू मेक अ न्यू वर्ड। यानी कि अब हमें इस वर्ड्स के एट द एंड ऑफ द वर्ड्स वी हैव टू एड एल वाई। द न्यू शूज आर लवली, ही इज रियली स्मार्ट, वी शुड ईट स्लोली, लेट अस सिंग सॉफ्टली, लाइक दैट। अब देखो सेवन्थ, एड आई एस एच टू मेक अ न्यू वर्ड्स। अब हमें वर्ड्स के पीछे आई एस एच लगाना है। टेड गर्ल इज ऑलवेज क्राइंग, शी इज चाइल्डिश। आई स्लिप्ड ऑन अ बनाना पिल, आई फील फुलिश। माई सिस्टर इज बेबीज। तो यहाँ है हमें वर्ड्स के पीछे आई एस एच लगाना था। अब देखते हैं न्यू एक्सरसाइज। देखो न्यू एक्सरसाइज का नाम है लेट्स राइट। यानी कि आपको लिखना है, देखते हैं, राइट फाइव सेंटेंस ऑन हाउ यू हेल्प एट होम। यानी कि आपको 5 वाक्य लिखना है कि आप अपने घर पे हेल्प, मदद किस तरह से करते हो। आई हेल्प मदर, आप अपनी मम्मी को किस काम में हेल्प करते हो, तो आप लिख सकते हैं फॉर हिज, फॉर कुकिंग। आई हेल्प फादर फॉर, आप अपने फादर को किस तरह हेल्प करते हो, तो उसका बैग लेने में, इज़ लाइक डैट। आई ऑल्सो हेल्प माई ब्रदर इन हर
इन हीज होमवर्क। मैं मेरे भाई को किस में होमवर्क मदद करती हूँ, तो क्या होमवर्क करवाने में। आई ऑल्सो हेल्प माई सिस्टर, आप अपनी बहन को किस तरह हेल्प करते हो, तो लिखोगे आई ऑल्सो हेल्प माई सिस्टर विथ प्लेइंग। और आप घर पर क्या करते हो, आई डू होमवर्क, आई पुट माई बैग इन द राइट प्लेस लाइक डैट इन द हाउस। अब है नेक्स्ट एक्सरसाइज, सही अलाउड, यानी कि जैसा हम हर बार करते हैं कि वर्ड्स को लाउडली रीडिंग करना। डोंकी, मंकी, टर्की, सिस्टर, मदर, फादर। तो ये था सही अलाउड। आई एम अ पॉपकॉर्न, पुट मी इन अ पेन, शेक मी इन अ शेक मी, एज फास्ट एज यू कैन आई विल पॉप। यहाँ देखो एक छोटी सी रैम दी है पॉपकॉर्न के बारे में, जो आप खाते हो ना, तो क्या कहा है कि आई एम अ पॉपकॉर्न, मैं पॉपकॉर्न हूँ। मुझे बनाने के लिए आपको एक पेन में डालना पड़ता है, फिर इसको ऐसे उछालना पड़ता है, तो उसमें थोड़ी सी आवाज़ आती है, पता है। एज फास्ट एज यू कैन एंड आई विल पॉप, और फिर पॉपकॉर्न बन जाती है। तो देखो यहाँ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एज वेल एज हमारा चैप्टर नंबर 16 भी यहाँ कंप्लीट होता है। तो यहाँ हम करते हैं चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट यूनिट एज वेल एज नेक्स्ट चैप्टर इज डोंट टेल। ये एक पोयम है, डोंट टेल। डोंट टेल का मीनिंग होता है कि मुझे मत कहो, ऐसा। देखते हैं डोंट टेल में देखो क्या है। देर आर अ लॉट्स ऑफ थिंग दे डोंट वॉन्ट टेल मी डू। तो फर्स्ट देखो इंस्ट्रक्शंस क्या है। आर देर सम थिंग्स डेट यू ग्रोन अप्स डोंट लेट यू डू। रीड अबाउट वर्ड्स हिज चाइल्ड दिस चाइल्ड फील्ड्स। देखो यानी कि जब आप बड़े हो जाते हो ना, तो ऐसी सारी कहीं सारी चीज़ें होती है कि जो आप किसी को कहना नहीं चाहते, किसी का से शेयर करना नहीं चाहते। तो देखो इस पोयम में ये बच्चा है, छोटा सा चाइल्ड है, उस वो सोचता है ना, उसके बारे में ये पोयम है। तो देखो ये बच्चा क्या क्या सोचता है वो तो हमें इस पोयम में ही पता चलेगा। तो देखो फर्स्ट ये बच्चा सोचता है देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दे डोंट वॉन्ट टेल मी डू। आई एम नॉट बिग इनफ येट दे से। तो ये बच्चा सोचता है कि ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो मैं कहना नहीं चाहता, तो उसमें से फर्स्ट चीज़ क्या है, आई एम नॉट बिग इनफ येट दे से। तो कहते हैं कि मैं बड़ा होना नहीं चाहता, मोटा होना नहीं चाहता। देखो तो वो कैसा लगेगा, मोटा हो जाएगा तो वो ऐसा लगेगा। आई एम नॉट बिग इनफ येट सो आई पेटियंटली वेट टिल आई एम ऑल ग्रोन अप एंड आई विल शो देम ऑल वन डे। तो ये बच्चा कहता है कि मैं तो अभी छोटा हूँ, यानी कि उम्र में छोटा हूँ और वैसे भी छोटा हूँ, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो फिर ये बच्चा आगे कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, तब सो आई पेटियंटली, यानी कि मैं अभी सब्र रखता हूँ, वेट करता हूँ। क्या वेट करता है, क्या करता है ये बच्चा, तो वो बड़ा होने की वेट करता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, यानी कि उम्र में बड़ा हो जाऊंगा, तब एक दिन सब लोगों को दिखा दूंगा। क्या दिखा देगा, देखो आई कुड शो देम नाउ इफ दे गिव मी द चांस देर आर थिंग्स आई कुड डू इफ आई ट्राई। तो वो कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो एक दिन वो सारी चीज़ें सभी को दिखा दूंगा कि जो मैं करना चाहता हूँ, इफ़ आई ट्राइड, जो यदि मैं प्रयत्न करूंगा, ट्राइड कि मैं कर सकूंगा। बट नो बड़ी नोस दैट आई एम रियली अ जायंट इनसाइड। तो फिर ये बच्चा कहता है कि वो क्या कहता है कि मैं अपने अंदर इनसाइड, यानी कि अपने अंदर को क्या महसूस करता है कि मैं एक रियली क्या हूँ, जायंट हूँ, यानी कि एक राक्षस, जायंट। एक्चुअली जायंट का मीनिंग यही होता है कि राक्षस।
इन शॉर्ट्स इस पोयम में यही है कि ये बच्चा छोटा है लेकिन अपने अंदर एक जायंट है। ये पोयम देखो मैंने कंप्लीट नहीं की है, थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेनेशंस आपको नेक्स्ट सेशंस में दूंगी। सो टिल देन गुड बाय टू ऑल।